हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो बस सहरी का टाइम स्टार्ट हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी फिरनी ले फारूक गली में। तो भूख तो ऐसी कुछ लगी हुई है नहीं, खा पी लिए काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी जाके बस फिरनी लेके आता हूँ। तहज्जुद की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, बस फिरनी लेके आके फिर आके कुरान शरीफ की तिलावत करके बैठ जाऊँगा। और जब थोड़ा टाइम बचा हुआ, तकरीबन एक 20-25 मिनट बचा हुआ, तब मैं फिरनी खा लूँगा और ब्रश वगैरह करके फिरनी बांध लूँगा। तो अभी फटाफट जाके फिरनी लेकर आता हूँ। और जो बीच रोड पे लाइट लगी हुई है ना वाशीना के पे, वहाँ पे ना एक बॉल बॉल करके भी ना ऐसा बीच में जो क्या बोलते हैं जो डिवाइडर्स है ना उस पे वो लोग ने कुछ लगाए थे। हम लोग कभी गए थे, शिरन ने बोला था कि हम लोग तभी जा रहे थे ना, तो शिरन ने बोला भाई जब आई मीन कि तुम जब बाद में फिर नहीं लेने जाओगे ना, तो तुम जाते वक्त एक बार शूट कर लेना। तो मैं ट्राई करूँगा ठीक है शूट करने की, और मिलते आपसे अभी आके। ये देखो गाइस, ये इसकी बात कर रहा था मैं, झाड़ वाड़ पे भी अभी लाइटिंग लाइटिंग लगी हुई है, मस्त बना दिए थे यहाँ पर। और यहाँ पे क्रिकेट चालू है। हाय गाइस, सोई नहीं मैं, आप लोग यकीन करोगे 6 बजे तक जगे थे और कैफ नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आए मस्जिद से। आने के बाद मैं पहली वीक मैंने फिरनी खा ली थी मेरी जो थी, और फिर उसके ना मेरा अचानक से ना उससे पहले से मेरे को ना एकदम अजीब सा लग रहा था, एकदम उल्टी उल्टी जैसा लग रहा था। और मैंने वहाँ पर भी कुछ खाया नहीं, सिर्फ मैंने जूस ही पिया और कुछ भी मैंने खाया नहीं। वो कब से उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है। मैं जो 6 बजे हम लोग घुसे सोने के लिए सुबह, फिर उसके बाद में नहीं 6 बजे नहीं थोड़ा और लेट, एक सेकेंड आपको बताती हूँ कि कब हम घुसे, क्योंकि कैफ है ना फ़ोन पर बात कर रहे थे। 6-7 को ला, हाँ 6-10 तक हम लोग सो गए थे, तो कैफ तो सो गए। फिर आते ना मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरा एकदम जी घबरा रहा था। मैंने कैफ को बोला मैं ना सोती हूँ, तो कैफ बोले ठीक है चल कोई बात नहीं ट्राई कर सोने की। मैंने ठीक है, इतना ट्राई कर रही हूँ, हो रहा नहीं। जो जागी हूँ मैं, जो रात से अल्लाह ही रहम करे मेरी इतनी हालत अभी टाइट हो गई, मेरे को अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ जाके नमक का पानी बनाऊं और पीऊं, और पी के शायद अगर मुझे उल्टी होती है तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे को अगर उल्टी नहीं हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अब मैं कल से नहीं सोई, तो सोचो मेरा दिन अभी कैसे जाना रहा है। मेरे को अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि मेरा सर तो पहले से ही दुख रहा है, क्योंकि मैं सो जाता हूँ, मेरे को नींद इतनी आ रही है पर उल्टी की वजह से मेरे को सोनी नहीं हो रहा है, और ऊपर से मेरे डेट्स चालू है उसकी वजह से क्रैप तो उसकी वजह से भी ना मेरे क्रैम्स भी आ रहे हैं, और ऊपर से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी हालत एकदम टाइट हो चुकी है। तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों ऐसा हो गया अचानक से। पर तो कैफ सो रहे, मैं कैफ की भी नींद नहीं ख़राब करना चाहती थी, इसलिए मैंने हल्लो से बाहर से कड़ी मार के आ गई। मैं अब देखती हूँ, पीती हूँ नमक का पानी, ट्राई करती हूँ कि अगर मेरे को होता है तो बेस्ट है मेरे लिए, वरना मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। ऊपर से सोई भी नहीं, तो गाइस मैंने एक गिलास अभी पी ली एकदम नमक वाला पानी। मैंने ऑन कैमरा इसलिए नहीं पी कि कोई अगर रोज़ा रहेगा और मेरे को देखेगा पीते वक्त तो उनको कहीं ना कहीं प्यास ना लग जाए, इसलिए एकदम हो रहा है मुझे। मेरे तो सब कुछ ऐसा लग रहा है चेक हो चुकी है, और पीऊँ कुछ फील तो नहीं हो रहा है, खट्टा खट्टा खारा खारा पानी है ना तो अच्छा अच्छा लग रहा है। अब उल्टी जैसे तो कुछ लग नहीं रहा है, बट ऐसा फील हो रहा है, मतलब नॉर्मली जैसा हो रहा था मुझे पहले वैसा फील हो रहा है, बट पीने के बाद ऐसा मतलब निकलना चाहिए बोलते हैं खारा पानी पीने से ऐसा होता है, फलाना ढमकाना होता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखते होता है तो थम्स अप वरना थम्स डाउन। तो मैं हॉल में ही लेटती थोड़ी देर,
सुबह सुबह आई है मेरे को परेशान करने। सुबह जब मैं आया था नीचे, मैं गया था कारपेंटर लेने के लिए, क्योंकि जो कांच टूटी हुई है वो कांच लगवाना है, तो फटाफट अभी कारपेंटर लेके आ गया हूँ, जाता हूँ घर पे, घर पे जाके आपसे मिलता हूँ, सो बने रहिए भैया। सो गाइज अभी शिरिन कर रही है घर की लादी पोछा, क्योंकि जुमेरात है और मेरे को अभी करना है लोबान, ठीक है। और इतने सारे कंटेनर्स अभी मैंने धोई ना गाइस, क्या बताऊं, फ्रिज खाली कर लिया उसने, पूरी फ्रिज खाली करके पूरा फ्रिज भी साफ कर दी, पूरे कपड़े यहाँ के उठा दी, क्या नहीं क्या बोली, कपड़े यहाँ के उठा दी जो भी थे, अभी ये भी स्टैंड भी खोल देंगे, क्योंकि मैंने बोली कि आपको अभी ईद तक का अभी मतलब ये स्टैंड नहीं रखने, इसको खोल के, ये अच्छा है कि इसको खोल सकते हैं कि नहीं, हाँ इसको खोल के फिर रात में इसको बराबर पन्नी में डाल के, पन्नी रखी हुई है ना बढ़िया, तो उसको ऊपर रख देंगे हम लोग, वो कर देंगे। बाकी मैंने बाहर का पूरा पैसेज पूरा पोच के लिए अभी, आपकी शक्लें दिखेगी, शक्लें बस बोल रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ इसके लिए ना, आजकल यूट्यूब का खोल के देख रही नहीं, ये बात आप लोग कैसे भी पूछ सकते हो, मतलब लाइक सुन सकते हो, मैं अभी तक यूट्यूब खोल के देख रही जल्दी, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं कमेंट्स पढ़ना चालू करूँ ना तो वो मैं खुद को कंट्रोल करती रहूँगी वरना क्या हो जाता मालूम है कि मेरा सबर का बांध टूट जाता है, और मेरे सबर का जब बांध टूटता है तो फिर मैं ना खाली पड़ा वीडियो में बोलना चालू करती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ना यूट्यूब के जितने कमेंट्स हैं जो भी चीज़ें मैं नहीं देखूँगी, बस मैं व्लॉग शूट करती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे दिखानी होती है वो चीज़ मैं दिखाती हूँ। और रही बात, मेरा घर गंदा तो बिल्कुल भी नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा मेरा घर साफ रखती हूँ, तेरा ही घर साफ रखती है नहीं, अम्मी का, जैनब का, हम लोग की एक्चुअल में ये आदत हम लोग को मिली हमारी माँ से, क्योंकि हमारी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद है गंदगी होना घर में, क्योंकि अम्मी बहुत बोलते ना बहुत चिढ़ते हैं वो चीज़ से, तो हमारे को भी आदत है, हम एक बर्तन को सिर्फ एक ही बार नहीं धोते, हम उसको 2 से 3 बार धोते तब जाके हमको सुकून मिलता है, ठीक है। और ये तो क्या अभी कैफ लोबान कर लेंगे, बस मेरा और कुछ भी काम नहीं है, बस अभी जो ये जो सामान है, कारपेंटर भी आपको मैं बताएगा इस तभी आके हाँ। गया अभी जाके इसका भी क्या मेजरमेंट वगैरह, इंशाल्लाह कैफ को मैं बोली हूँ कि ऊपर का ये कर दे ले, तो देखते हैं अभी कैफ अगर रात को करते तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा खाली हो जाएगा, तो मैं सोफा भी पोंछ के ले सकती हूँ। रात को कैसा कैसा मतलब हाथ से शाम को जाने का है ना, हाँ तो शाम को जाएंगे, आने के बाद अगर रहा ताकत तुम्हारी में तो कर देना बोल, वरना फिर टाइम खींचेंगे अपन तो लंबी होती जाएगी ना इसके लिए, चलेगा है ना। बाकी तो आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, क्योंकि मेरे लिए तो कोई नहीं है ना, चल ठीक है गाइस। मेरे बिल्डिंग के लोग भी आते ना तो भी यही बोलते हैं, मेरी जमीन देखी कि भाई इतनी सफेद है इसकी जमीन, चलो ठीक है, बाथरूम में भी तुम्हारा मुंह दिखेगा, मेरे कमरे में भी तुम लोग का मुंह दिखेगा, ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम में अभी। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं ग्लास के शॉप पर, घर से निकलते वक्त शूट नहीं करें, और मैं बुर्का पहन ली, जो मैंने अंदर ड्रेस पहना था ब्लैक कुर्ती और प्लाजो वही पहना, बस ऊपर बुर्का डाल लिया मैंने क्योंकि ऐसी, और ये आज मैंने ये वाली चप्पल पहनी ब्लैक वाली जो मैंने ली थी, और ये क्या लग गया, वाओ मैंने इसकी उद्घाटन कर दी, मैंने उद्घाटन कर दी, तो चल अभी यहाँ पर कैब देख रहे हैं कि कौन सा क्लास क्या लेने, और लो मैं भी मशीन पे हाथ रखे और चालू रही हूँ। सो गाइस हम लोग पहले गए थे एक शॉप पर जहाँ पर मैंने शूट किया था, फिर उसके बाद में जो एक दूसरे शॉप है जो अंकल काफ़ी अच्छे से पहचानते हैं हमको, और उनके पास से अम्मी के भी कभी जैसे कांच वांच लगता है तो अम्मी वहीं से ही करवाते सब, पर वो अंकल गए उमरा पे तो इसीलिए ना, तो उनकी दूसरी जो शॉप है ना, मैं पहले गए उनके वो हार्डवेयर वाली शॉप पे, तो उनके बेटे हाँ बेटे थे, तो उनके बेटे बोले कि अब्बा गए उमरा पर तो आगे एक काम करो कांची चाहिए ना तो बढ़िया वाली दुकान है ना हमारी माँ चले, तभी हम लोग जाए बढ़िया वाली दुकान पर और देखते अगर मिल गया यहाँ पर, और लगाने वाला भी कोई अगर मिल गया सही इंसान तो करा लेंगे, तो पहले पहुँचते हैं क्या है क्या नहीं है रेट वेट सब देखते हैं फिर आपसे। सो गाइस अम्मी के बिल्डिंग के बाजू में ना यहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है ना, पुलिस स्टेशन है,
यहाँ पे कलिंगड़ वाले भैया बैठे हैं इस वजह से। ये कलिंगड़ दिख रहा है कि दूधी दिख रहा है? गाइस कलिंगड़ ले तो लिए, अब यहाँ पे देखो मलबेरी का झाड़ है, सेतु तरह देखो ऊपर लगी हुई है, क्या पता दिख रही है, रेड रेड दिख रहा है ना, ये सब उठा रही है। अरे ऊपर चढ़ के निकलना, पुलिस वाले डंडा मारेंगे मेरे को। ये बस रे चल, हाँ, हाँ। तेरे पैर के पास भी तो काली वाली नहीं, वो पचक गए। ऊपर इतनी लाल लाल है ना ऊपर पूरे झाड़ों में। हाँ गिलाएगी तो गिरना चाहिए। हाँ गिरा गिरा, पत्ता गिरा। अरे वो काली वाली एक गिरी, लाल वाली भी गिराई। हो गया। अरे यार रुको ना, आई कैन टू जाओ। चोर, वो पुलिस स्टेशन का गेट तक क्यों बंद कर दिया? चोर, ए ए कायरे, ये देखो गाइस, ये चार मैंने तोड़ा हुई है वायर के मदद से, अभी ये देखो ये अंदर चौकी के दरवाजे के अंदर जाके तोड़ रही है। ये गिरा 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 गिरा, ये देखो एक, ये देखो दो, ये देखो तीन, सब गिर रहे थे जोर जोर से, फूट जा रहे लोग। ये गिरे, रुक 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 रुक, ये इधर भी एक लोका है, ये खराब है, बस हो गया ना यार, नहीं वो खराब है वो, अरे पचक गए है वो। उसी के पास गिरा हूँ, मेरे को भी अटका डाली इसने यार ये तोड़ने में, अभी मेरा भी अभी दिमाग अटक गया इसमें गाइस। ये वाला भी अच्छा है, अच्छा है ये वाला, अभी भी बहुत है इसके अंदर। वो सामने ब्लैक, रेड, एक छोटू सा ब्लैक, वो एक सामने ये मोटा ब्लैक, ऊपर लाल एकदम फुल भरा हुआ है, ऊपर ऊपर साइड को और है भाई। क्या होता है वो बाहर निकले वहाँ से, कार दिख रही भी नहीं, वो पुलिस स्टेशन से बाहर। गाइस असर की नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ घर। आकर बोगमैन की नंबर प्लेट भी मैंने कर दी है चेंज, क्योंकि नंबर प्लेट टूट गई थी, तो जो पुरानी थी मैंने वही लगा दी है। अभी थोड़ा काम भी करवाना है गाड़ी का, तो इंशाल्लाह थोड़े टाइम में वो काम वाम भी करवा दूंगा। अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर जैनब दीदी के वहाँ, शेरिन भाई है, शेरिन चंदानी की बुक को कवर्स वगैरह चढ़ा रही है, तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर, और इफ्तारी के लिए तो काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटे के ऊपर है, तो बस मिलता आपसे थोड़े टाइम बाद। सो गाइस रोज़ा को इधर मैं चला गया था, नमाज़ पढ़ के मैं गया घर, घर जाके मैं फ्रेश वगैरह हुआ, मैंने पैंट वगैरह चेंज कर लिया और आ गया अभी वापस दीदी के वहाँ, क्योंकि मुझे आ रहा है अभी टाउन, तो फटाफट बस अभी निकलता हूँ सामने थर्ड टाइम। तो गाइज अभी जैनब के यहाँ से निकल के आ गया, एक्चुअल में हम लोग जैनब के यहाँ से नहीं आ रहे थे, हमें के वहीं से डायरेक्ट जाने वाले थे, हाँ डायरेक्ट जाने वाले थे, बट ना मेरे को घर पर आना था, मेरे को थोड़ा सा भी समझ जाओ, तो क्या तो अभी यहाँ पर सब लोग मेरे थोबड़ा देखते खड़े हैं लोग, क्या मतलब मेरे थोबड़े के अंदर घुसने के लिए। और ना यहाँ पर ना कोई बूमबिल लगता है फ्राई कर रहा है, तो उसकी कुछ बड़े तो कोई बूमबिल फ्राई कर रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो फटाफट थोड़ा फ्रेश होती हूँ,
फिर निकलने के वक्त आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी से प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज कि मैं और ज़ैनब जा रहे हैं। अरे जबरदस्ती यार सिरिन। अरे यार इनकी पीठ दुख रही थी तो मैंने बोला कि तुम मत आओ। इतना मैं सोचती हूँ तुम मत सोच, ये जो तू कभी कभार तू सोचती ना उल्टा अपन जो सोचती ना मत सोच, झगड़े के काम मत किया कर। मैं झगड़े के काम करती गाइस, चलो घर पे झगड़े करके मिलती आपसे। कैसा गाड़ी पे उल्टा सीधा लेट रही है, क्योंकि ये पीठ तोड़ने के लिए उल्टा सीधा लेटी और पीछे देखो मामा कितना पल्ली बाजी भाई पल्ली देखो मामा कैब गए समदानी को ऊपर छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बर्गमैन पे, इसलिए हमने नंबर प्लेट भी चेंज कर दी। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, अब निकले तो मतलब पेट्रोल पंप पे रुके हैं, क्योंकि पहले पेट्रोल भरेंगे फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे सीधा टाउन के लिए। हम लोग टाउन किस लिए जा रहे हैं, मैंने मैं फुटपाथ की चीज़ खरीदने जो लगती है ना जो रोड पे, वो जो कमेंट में लोगों ने कमेंट किया ना कि माँ ब्रांड बोलती और बच्चों फुटपाथ की, तो वो हम लोग हमारी विलिंग के लिए खरीद गए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई शोरूम की या फुटपाथ की हम जो भी पहनते हैं ना, हम कोई वेबसाइट पहनते और हम कुछ चीज़ों को नॉर्मल नहीं समझते या बहुत सारे नहीं समझते। हम लोग फुटपाथ की भी चीज़ पहनते हैं, मैं भी डर गई, हम लोग सब चीज़ पहनते, हम हर चीज़ का ना एक एंजॉयमेंट लेते हैं, हर चीज़ का एक मज़ा लेते हैं हम लोग। वैसे कोई चीज़ नहीं कि फुटपाथ और जो भी चीज़ हम पहनते हैं लोग शोरूम से खरीदते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। और जो भी चीज़ हम पहनते ओढ़ते भी है ना वो भी ट्रेंडी बन जाती है, लोग कॉपी भी आराम से कर लेते हैं कि नहीं ज़ैनब, हमारे हर एक चीज़ कॉपी हो जाती है, तो समझ जाओ कि हम लोग चाहे कुछ भी पहने तो हम चमकते ही है। और हम लोगों को अच्छा लगा, पहली बार हम लोग गए हम लोग को अच्छा लगा। अब ज़ैनब पहली बार गई, ज़ैनब पहली बार, मेरी आदत है, मैं तो सुबह पहले से ऐसी हूँ, मेरे को पहले से बहुत शौक है कि जितनी स्ट्रीट शॉपिंग करूँ ना मेरे को उतना कम लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसमें, देखो मैं ट्रिपल जा रही हूँ लाइफ में, कभी ट्रिपल गई भी नहीं, मैं ट्रिपल भी जा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी लगती है लाइफ में। तो ये कमेंट मत करो कुछ भी जिसमें कोई दम ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं रहे, कोई मज़ा ही नहीं रहे, वैसे डर के कमेंट्स मत करो भैया। तो चलो अभी निकल रहे हैं तो आपसे मिलते हैं सीधा टाउन पहुँच के। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं टाउन और ये देख सकते हो कितनी रौनक है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी रौनक है यहाँ पर, ये देखो ये देख सकते हो अभी शालीमार से चालू हो चुके हैं पूरे यहाँ पर लोग के, क्या ये क्या बोलते हैं पाकड़े लगना ना स्टोर का, ये बड़ी लोग स्टॉल हाँ, क्योंकि हाँ पब्लिक देख पाए और उन लोगों को मालूम पड़े कि इनकी दुकान भी है यहाँ पर अंदर अंदर, तो उसके वजह से अपना जो जो है हाँ खाने से लेके टोपी से लेके कपड़े से लेके पर्स से लेके हर एक चीज ऐसे लेके जर आपको यहाँ मिल जाएगी। हाँ ये देखो कितना अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, पाइनएप्पल इसमें कोई जरी का कपड़ा लेने का है मटेरियल। तो गाइस सबसे पहले समदानी की शॉपिंग हो गई, क्योंकि सबसे पहले मैं हमेशा आती हूँ, तो हम लोग कैफ और मैं भी आते तो सबसे पहले समदानी का ही लेते ना, अपन पहले से हम लोग आ जाते हैं समदानी का ही पहले से लेते, तो समदानी का ले लिए। और हाँ और अभी यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हम लोग, आगे जाके देखते क्या है क्या है। तो गाइस मेरा ड्रेस भी हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी डील इतनी अच्छी हुई है। हाँ नहीं और कुछ नहीं लेना है मुझे, मेरी डील बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही ड्रेस लेना था पहले के लिए, बाकी कलर में बाहू वाला है मेरे पास, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। और मेरी एक्साइटमेंट लिटरली पता नहीं, और ज़ैनब शॉक हो गई है, ज़ैनब मेरा वाला कैसा लगा, ज़ैनब को भी बहुत अच्छा लगा और ज़ैनब का भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है, मुझे ना उस पर कैसा है ना कि ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो तेरा दोनों कलर लिए ना, दोनों मेरी पसंद के लिए तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि उसे सुनी मेरी चीज आज भी सारा वो चाचा का नहीं दिखा मेरे को, क्योंकि हां शिरीन आज भी वो चाचा का वो मेरे को, हां वो चाचा इधर लगाया ना, क्योंकि ना ज़ैनब जल्दी मेरा सुनती है नहीं, और अभी जब सुनी उसे ना तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, आई एम वेरी हैप्पी विद इट।
तो अभी चलो अभी आगे बढ़। तू मेरा जल्दी सुनती है पर मेरा आज पहली बार सुनी उसने। तो तूने वो कलर का ली? हाँ दोनों कलर का जरा ली की नहीं बहुत पुराना। अच्छा चलो ठीक है गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी देखते कैसा तो कुछ हुआ नहीं है तो बहुत मजा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे हम लोग स्लो स्लो सब चीज़ें देखते जा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। पब्लिक लोग हाय हेलो कर रहे, पब्लिक लोग पब्लिक हाय हेलो कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। और बस आ रही है, बस राइट किधर, बस हमको उड़ा देगी। तो गाइस अभी पी रहे हैं गन्ने का जूस और ये बच्चे के सर पे खून आ रहा है तो अभी पी रहे गन्ने का जूस और जैन हमने लेकिन पी लिया। कैफे में आधा मेरे को दे दी क्योंकि ठंडा बहुत है इसलिए और उसका सर पकड़ लिया इस वजह से, और अब मैं ले ली और अभी हम पीते पीते जा रहे हैं। ये देखो गाइस किस तरीके से सब धंधे वाले मेरे वे लोग भी बिछा रहे हैं। पहले तो यार 2 बजे का टाइमिंग देने के बाद भी 12 बजने आए, सिर्फ 12 बजे और लगाने ही नहीं दे रहे यार धंधे लोगों को। बहुत परेशान हो गए ले यार सब। तो गाइस अभी शिरेन खड़ी है बेडशीट लेते हुए, ठीक है इसको मैंने बोला था फ़ोन हाथ में देखे कि शूट कर तो कुछ भी शूट ही नहीं कर रही है लड़की। मेरा और पैसा 30 रुपये रिटर्न दी, कितना दी बस खर्चा कितना करी, 30 रिटर्न आया तो पहला बता रही हो। चलते हुए आगे पहुंच गए और यहाँ खड़ी हो गई है। कौन सा वाला ब्लू कितना दे रहे हो? हाँ ठीक है चल, शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही है। नाइस और यहाँ पे मिठाई बन रही है देखो, मलाई खाजा, मलाई खाजा। हाँ तो गाइस अम्मी का भी ड्रेस ले लिया मैंने, मेरे जितना बजट था मेरे हिसाब से मैंने ले लिया है। और अभी मैं यहाँ पर क्लिप देख रही हूँ तो अभी हम लोग तैली रख दिया, हमारी ये पहचान वाली की दुकान है उसके पास रख दी पूरा तैली, क्योंकि हम लोग जाने वाले मीनारा के इधर कुछ खाने के लिए देखने के लिए, और अम्मी को भी कुछ चाहिए खाने के लिए तो वो देखने जा रहे हैं। तो पहले क्लिप क्लिप पसंद करके फिर आप। तो गाइस यहाँ पर मैं पूरी बर्बाद होना चाहती रही आती, मुझे बर्बाद होने नहीं दे रहा है, मैं एक और चप्पल ले रही तो मुझे लेने नहीं दे रहा है। इसने मुझे बोला, इसने मुझे बोला खुद 5,000 का ड्रेस लिया मेरे को बोल रहा है ओ 5,000 की पटानी, 5,000 की पटानी। अब मैं चप्पल देख रहे हैं, देख के आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोग मीनारा मस्जिद के इधर सामने खड़े थे क्योंकि अम्मी यहाँ से ना कभी भी यहाँ से ही खाते थे चीख सीख ये सब। और अभी जैनब यहाँ पर खड़ी है और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर खाने के लिए, कैप यहाँ पर है। और यहाँ पर अभी ना बहुत लड़ाई हो रही थी, अभी एक लड़की को मारा मारी हो जाती थी और वो लड़की को मारना चाहिए क्योंकि बेमतलब को चल रही थी बिना मतलब सपोर्ट ना लड़की ने कि वो वुमन कार्ड प्ले करे क्यों गलत है कि नहीं भैया। अब आ गया देख तो वुमन कार्ड प्ले करी थी क्या हुआ, अरे इसने भी सीखी कि क्या है नीचे को नहीं नहीं एक्चुअल में ये थोड़ी बना था, बहुत टेस्टी बना था। कैसा लगा जैनब का बैकग्राउंड आप देख सकते हो कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है जैनब का। लाइट्स वाइट्स देख सकते हो मीनारा मस्जिद की आंख में, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ओ हो लाल है, लाल है सारा ठेला लाल। मैं यहाँ पर के सीख हरचते हुए
यहाँ जैनब जी का रहते हुए, पर जैनब तो हरच रही है और पराठा मंगाइए पर सीट ऑलमोस्ट खाली है और अंकल को इसे भगा दी। तो गाइस मैं यहाँ पर फिर बिग कोला और यहाँ से देख सकते हो दिखा गए लोग, अरे लोग सामने आ गए और सामने आ गए लोग के वो देखो एग्जैक्ट पीछे देखो जैनब वहाँ पर सीट घुस रही है और उसी के आगे थोड़ी सी टोपी दिख रही रहेगी तुमको, उसके आगे जैनब के कैप खड़ा है। और यहाँ पर बन रहा है मोहब्बत की शरबत, बिल्कुल भी मोहब्बत से नहीं बना रहे यहाँ पर अभी, क्योंकि मैं तो कुछ खा रही नहीं हूँ, मेरे को तो पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा हो रहा है, इसके लिए मैं नहीं खा रही, मैं यहीं खड़ी क्योंकि वहाँ पर पब्लिक आ रही जा रही है बहुत हम दुखी हो रही है इसलिए मैं यहीं रुक। तो गाइस यहाँ देख सकते हो ये आइसक्रीम देख सकते हो कितनी मज़े, मैंने कभी खाई नहीं हूँ भैया, वेरी नाइस तो बोल रहे पर कभी खाई नहीं हूँ मैंने और मेरे आदमी ने खिलाया नहीं, कैब बोलते हैं कि अच्छी है अच्छी है, कभी खाए नहीं कभी, वो आइसक्रीम खाई है कभी, मैंने भी नहीं खाई, जैनब ने भी नहीं खाई, तो अभी हम लोग चार हैं और फुटपाथ पे भी नहीं चल पा रहे ना रोड पे बराबर चल पा रहे, जगह ही नहीं है यहाँ पर, हर कोई जूस का शॉप खोल के खड़ा हो गया है बहुत सारे, हाँ तो कितने अरे मतलब खड़े हो गए मतलब इतने सारे हैं ना कि जगह ही नहीं है, आगे पीछे होने की भी जगह नहीं है और कोई एकदम ना पूरा पुलिस वाले लोग इधर कॉपरेट कर रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे, पर बहुत चल पहले। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अम्मी की बिल्डिंग में, अभी जा रहे ऊपर अम्मी के वहाँ और हालत हो चुकी है टाइट, कमर उमर की तो हालत एकदम ही ख़राब हो गई है, बस अभी ऊपर जाके देखता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है, फिर आप सब लोग मिलते हैं, सो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो समदानी के तीनों झुब्बे, एक है ब्लैक एंड वाइट और एक है एक है ब्लैक एंड रेड और एक ये लेवेंडर पर्पल एकदम लाइट पर्पल है और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे सब एकदम सब बराबर साइज के, चलो एकदम परफेक्ट है ये नहीं तो चलो अभी ये सब लाने के तो आप लोग ने देख लिए, मैं अपने घर पे जाके बताऊंगी। देख सकते हो गाइस इतने से तेल में मैंने मम्मी का कितना सारा पापड़ फ्राई कर लिया, लेस ऑयल में सो गाइस बस यही खत्म होता है आज का हमारा ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और शॉपिंग वगैरह तो आपने लोगों की देख ही ली कि इन्होंने चीज़ें खरीदे बट क्या खरीदे किस तरीके से खरीदे कितने की क्या अराउंड होगी तो वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो टिल देन वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना बढ़ाते रहना, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस।